लड़की पैदा होने के बाद लड़का होना इम्पॉर्टेंट है। क्यों लड़का पैदा होने के बाद लड़की इम्पॉर्टेंट नहीं है? कहने को तो लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है, पर लड़की का 6 बजे से पहले घर पहुंचना कंपलसरी है। एक लड़का 5-6 दिन तक घर से बाहर रह सकता है, पर लड़की का तो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक नाइट आउट पर जाना भी टफ है। 8 बजे घर आओ तो ये लड़की इतनी रात को कहाँ से चली है? क्यों ये दुनिया एक लड़की के पीछे पड़ी है? मोटी होके जीन्स लगा रही है, पतली होके फिगर दिखा रही है। सूट पहनो तो संस्कारी, शॉर्ट्स पहन लिए तब तो दुनिया सर पर भारी। आधा स्ट्रेस तो इन आंटियों ने दे रखा है, अब कैसे समझाएं इन्हें कि जैसे हर टूथपेस्ट में नमक नहीं होता, वैसे ही लड़की के साथ चलने वाला हर लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेगी दुनिया, इस चक्कर में एक लड़की ने कहना बंद कर दिया। एक लड़की की लाइफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसलिए एक लड़की हमेशा चुप रहती है। क्यों करते हैं लोग इतना शक यार, वी रियली वांट अ हग? अगर एक लड़की मैसेज का रिप्लाई ना करे तो क्यों वो इगोइस्टिक है? अगर एक तो ब्रेकअप हो गए तो क्यों वो कैरेक्टरलेस है? पहले तो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाना भी पाप था, पर चलो आजकल इस चीज पर तो रहम है। बस में रश है, किसी ने देखा क्या लड़की कितनी अनकंफर्टेबल है? क्यों एक अकेली लड़की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी है? अगर किसी लड़के के साथ कुछ गलत हो गया तो पक्का ये लड़की ठीक नहीं, इसी का चक्कर है। क्यों इस सोसाइटी का इतना प्रेशर है? एक लड़की के पास क्वालिफिकेशन हो ना हो, पर घर के काम करने का टैलेंट होना जरूरी है। मजबूरी तो ये है कि शादी करनी जरूरी है। अब कैसे बताएं कि एक लड़की की लाइफ कितनी टफ है? शादी नहीं करनी हो तो लोगों से सुनना बहुत कुछ है, दूध पी ले, वेजिटेबल्स खा ले, तुझे शादी के बाद माँ भी तो बनना है। अरे क्यों यार, अपने लिए कुछ क्यों नहीं करना है? अब शादी के बाद अगर लड़की माँ नहीं बन पाई या एक से ज़्यादा लड़की पैदा हो गई तो भी लड़की की ही गलती है, कोई नहीं कहेगा। क्या पता लड़के में कोई कमी है। लड़की की लव मैरिज टूट गई तो अच्छा हुआ उसकी अपनी चॉइस थी, अगर अरेंज मैरिज टूट गई तो रिलेशनशिप में एडजस्ट करना जरूरी है। लड़की सक्सेसफुल हो गई तो बाप पर गई है, एक स्टेप भी गलत हो गया तो माँ के संस्कार है। अरे यार, संस्कार तो बचपन से दोनों ही देते हैं ना, फिर क्यों सारा ब्लेम एक पर ही लगाते हैं? कब बंद होगा ये सब, कब बदलेगी लोगों की सोच? कुछ कहना है तो प्यार से कहो यार, ताकि थोड़ी तो पॉजिटिविटी पैदा हो।